नमस्कार, मैं हूं सपना। स्वागत है आपका प्रातः दर्पण न्यूज में। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबरों पर। मणिपुर में महिलाओं के साथ हुई शर्मनाक घटना को लेकर देश भर में लोगों का आक्रोश फैला हुआ है। जगह जगह घटना से आक्रोशित लोग ज्ञापन व अन्य माध्यमों से अपना आक्रोश प्रकट करते हुए घटना की निंदा कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज धार जिला मुख्यालय पर कलेक्ट्रेट परिसर में राष्ट्रीय आदिवासी एकता मंच मध्य प्रदेश के बैनर तले रमेश जूना पानी की ओर से बड़ी संख्या में मौजूद लोगों ने धारा 144 का पूरी तरह पालन करते हुए मौन होकर महामहिम राष्ट्रपति महोदया के नाम सहायक अधीक्षक भू अभिलेख अधिकारी RS धाकड़ को ज्ञापन सौंपा। जूना पानी ने बताया कि मणिपुर में आदिवासी महिलाओं से गैंगरेप और निर्वस्त्र कर जघन्य कृत्य करने वालों को फांसी की सजा देने और अन्य राज्यों में आए दिन अनुसूचित जाति जनजाति समुदाय पर घटित होने वाली घटनाओं को तत्काल रोका जाए और दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। राष्ट्रीय आदिवासी एकता मंच मध्य प्रदेश के धार जिले के अध्यक्ष रमेश जूना पानी ने जानकारी देते हुए बताया कि मणिपुर में आदिवासी महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाने जैसे जघन्य अपराध किया गया। घटना बर्बरतापूर्ण होने के साथ ही लगभग 3 महीने से मणिपुर में हिंसा जारी है, जहां आदिवासी समुदाय को चिन्हित कर उत्पीड़न किया जा रहा है। हिंसा को काबू में करने के लिए मणिपुर सरकार पूरी तरह से विफल साबित हुई है। सैकड़ों लोगों की और महिलाओं और बच्चों की हत्या की गई। हजारों लोग घायल हैं और लोगों को अपना घर छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है। मामला ये है कि मणिपुर में जो जिस प्रकार से महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं और निर्वस्त्र घुमा रहे हैं और सरेआम उनकी हत्या की जा रही है, उस मामले में हम महामहिम राष्ट्रपति के नाम माननीय SDM साहब को ज्ञापन देने आए हैं और हम ये चाहें कि देश में मोदी जी की सरकार है और मोदी जी देश में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छे अच्छे बड़े बड़े काम कर दें, लेकिन मणिपुर में जैसी जो घटना चल रही है इस पर भी मोदी जी बिल्कुल मतलब इसको हाथ में लेना चाहिए। और जैसे कि उत्तर प्रदेश में योगीनाथ सरकार बुलडोजर चला रही है, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह महामा बुलडोजर चला रहे हैं, उसी प्रकार से ठीक हम भी यही चाहें कि मणिपुर में भी बुलडोजर चलना चाहिए और मणिपुर में भी आदिवासी गरीब लोगों को न्याय मिलना चाहिए, उन पे जो किए जा रहे अत्याचार उसकी रोकथाम होना चाहिए। इस प्रकार की जो घटना जो हुई है वो बिल्कुल शर्मसार और निंदनीय है। प्रातः दर्पण न्यूज़ के लिए धार से रोहित श्रीवास की रिपोर्ट।